तो डीमन एम्परर के इस एपिसोड में हम देखते हैं कि डोंग उस औरत पे गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है, पर तभी वहाँ पर कोई दूसरा ही आदमी आ जाता है और उसे मार के पीछे फेंक देता है। फिर वो आदमी कहता है, मिस डांडन यहाँ क्या चल रहा है? तो वो औरत उसे बोलती है, कुछ भी नहीं, बस इन डॉग्स ने मेरा मजाक खराब कर दिया है। तो फिर वो आदमी कहता है, तो इन लोगों ने दी मुडान हाउस की मिस सायो को ऑफेंड करने की हिम्मत की है। डोंग ये नाम सुनते ही बहुत ज्यादा डर जाता है और कहने लगता है, क्या होयो बिल्डिंग की 15 फ्लोर की दी मुडान हाउस? और फिर वो डर से कांपते हुए कहता है, मिस मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो वो औरत उसे बोलती है, तुम ये क्या बोल रहे हो, गलती तुम्हारी थोड़ी ना है, गलती तो मेरी है ना कि मैंने तुम्हारे सिस्टर की चीज ले ली और उसे ह्यूमिलेट किया, क्यों है ना? डोंग बोलता है, नहीं नहीं गलती तो मेरी है, मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और अपने आप को थप्पड़ मारने लग जाता है। और वहाँ के सारे लोग बस उसे देख ही रहे होते हैं, कोई भी कुछ नहीं कर पाता है। फिर वो औरत कहती है, टियानियो क्या तुम कुछ फन करना चाहते हो? तो वो आदमी उसे पूछता है, डांडन तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तो मिस डांडन उसे बोलती है, मुझे लगता है कि ये बच्चा अपनी सिस्टर की बहुत ज्यादा फिक्र करता है, तो अगर तुम उन बोन फॉर्जिंग रेलम के मास्टर के वहां होते हुए भी अगर तुम उस लड़की के कपड़े फाड़ कर उसे नेकेट कर पाओ तो मैं तुम्हें उसके साथ मजे करने दूंगी और तुम पे कोई भी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होगा। तो ये सुनकर सब लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। फिर वो आदमी उसे बोलता है, हम ऐसे लोग नहीं हैं जो बाकी लोगों का फायदा उठाए, तुम मुझे कुछ ज्यादा ही करने को बोल रही हो। तो वो औरत उसे बोलती है, अपने आप को देखो, तुम अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पा रहे हो, चलो भी, और तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, और वैसे भी तुम कुछ वक्त में होयू हाउस के पार्ट बन जाओगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो फिर वो आदमी वान की तरफ देखने कर कहता है, अब जब तुम इतना रिक्वेस्ट कर ही रहे हो, लगता है कि मुझे ये करना ही पड़ेगा, और सच कहूं तो मैं भी खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। और फिर उनकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, ये मत समझना कि मैं ये कर रहा हूं, मैं तो तुम्हें बस थोड़ा सा पनिशमेंट देने वाला हूं। और फिर वो औरत उन लोगों को बोलती है कि अगर तुम इसको एक बार भी ये करने से रोक पाओ तो मैं तुम लोगों को जाने दूंगी और कभी भी किसी तरह परेशान नहीं करूंगी। डोंग बोलता है, हाँ ये मुझे मंजूर है। पर तभी ही उसी वक्त अचानक से बड़ी स्पीड से टियानियो वान के कपड़े फाड़ कर ले जाता है और लोग उसे देख भी नहीं पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। और फिर टियानियो हंसते हुए बोलता है, तुम लोगों के पास इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि तुम लोग मुझे रोक भी पाओ। और फिर सारे लोग वान को घेर लेते हैं ताकि वो उस तक पहुंच ना पाए, पर टियानियो कहता है, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, तुम लोग मुझे देख तक नहीं पाओगे। और वो फिर से उसके कपड़े फाड़ने के लिए आगे बढ़ता है और वो फिर उसका कपड़ा फाड़ कर भी ले जाता है, पर वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और फिर वो कहता है, दूसरे कपड़े से ही इतना मजा आ रहा है कि मैं तो सोच भी नहीं सकता कि इंटीमेट गारमेंट से कितना ज्यादा मजा आने वाला है। और ये सुनकर यान रोने लगती है और डोंग उसे बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। टियानियो फिर से उसकी तरफ जाता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और उस पे पहुंचने ही वाला होता है, पर तभी ही वहां पर एम्परर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ब्रदर डोंग क्या मैं भी ज्वाइन कर लूं? तो टियानियो एम्परर को देखकर पीछे चला जाता है। फिर एम्परर कहता है, मैं इसका हस्बैंड हूं। तो सब लोग ये सुनकर चिल्लाने लग जाते हैं, क्या? तो एम्परर उन सबको बोलता है, अरे मैं इसके घर में गया था इसे पूछने कि क्या ये मुझसे शादी करेगी, पर इसने तो मुझे मना कर दिया, तो तुम लोग समझ लो कि मैं इसका एक्स हस्बैंड हूँ। और फिर औरत एम्परर से बोलती है, अगर ये इनमें ऐड भी हो जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और वैसे भी जो आदमी उस लड़की से प्यार करता है उसी आदमी के सामने उस लड़की के साथ ये करने में और भी ज्यादा मजा आएगा।
और डोंग एम्परर से बोलता रहा होता है कि तुम्हें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए था। तो एम्परर उसे बोलता है, डोंग हम दोनों ब्रदर इन लॉ हैं, इसलिए ये मुझे करना तो होगा ही, और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब वो तुम्हारे कपड़े का एक भी टुकड़ा नहीं ले जा पाएगा। फिर टियान्यून को आगने को बोलता है और टियान्यून उन्हें गुस्से से देखने लग जाता है। तो डोंग उसे देखकर डरने लगता है। तो एम्परर उसे कहता है, ब्रदर डोंग तुम इस जोकर से डरो मत। और टियान्यून ये सुनकर गुस्से से अटैक कर देता है और वो उसके पास पहुंचने ही वाला होता है कि एम्परर उसे एक पंच मार देता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है। तो इसे देखकर डोंग एम्परर से कहता है, तुमने उसे पंच मार दिया, ये तो बहुत ही ज्यादा ग्रेट था ब्रदर, ये तुमने कैसे कर दिया, मैं तो उसे देख भी नहीं पा रहा था। एम्परर कहता है, इसमें क्या बड़ी बात है, सबको पता है कि उसका टारगेट सिर्फ वन ही है, और वो चाहे कितनी भी स्पीड से आए या कुछ भी करके आए, वो तो आएगा ही वन के पास ही ना, इसीलिए मैं उसके सामने ही खड़ा हो गया और जब उसे यहाँ पे आया मैंने उसे पंच मार दिया। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और एम्परर से कहते हैं, तुम तो जीनियस हो, तुमने तो कमाल ही कर दिया। और तभी डोंग उन दोनों की तरफ देखने लगता है और उनसे कहता है, भले ही हमने बाई चांस ही सही पर हमने टियान्यून को हरा दिया है, इसलिए हम शर्त जीत चुके हैं और मुझे लगता है कि आप लोग अपनी जुबान के पक्के जरूर होंगे, इसलिए मैं मेरी सिस्टर को लेके जा रहा हूँ। पर फिर मिस डंडन कहती है, मैं तुम्हें जाने भी दूंगी पर मुझे नहीं लगता है कि टियान्यून तुम्हें जाने देगा। तो फिर टियान्यू कहता है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, अभी तो गेम में मजा आना शुरू हुआ है और ये गेम तब तक खत्म नहीं होने वाला है जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता हूँ। एम्परर उसे कहता है, तुमने सही कहा, ये गेम बहुत ही ज्यादा मजेदार है, इसीलिए मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। और पास्ट में मैं और ब्रदर डोंग ऐसे ही गेम खेला करते थे, क्यों है ना ब्रदर डोंग, और तुम तो इस लड़की के कपड़े फाड़ रहे हो पर मैं किसके कपड़े फाड़ू, ये तो अनफेयर है ना, कोई तो होना चाहिए। तो मिस टंडन उसे कहती है, अगर आज तुमने मेरे कपड़े का एक भी टुकड़ा ले पाए तो मैं टियान्यू को मेरी फैमिली से निकाल दूंगी और तुमसे शादी कर लूंगी। एम्परर कहता है, मिस डंडन आपको ऐसे प्रॉमिस नहीं करने चाहिए जिसका आप बाद में पछतावा हो, और मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि ये गेम खेलते वक्त आप रोने मत लग जाना। मिस डंडन कहती है, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे आंख से एक बूंद भी आंसू नहीं गिरने वाला है। और फिर एम्परर डोंग से कहता है, अब जब हम फेयरनेस की बात कर ही रहे हैं तो हमारी टीम में इतने सारे लोग वान को गार्ड करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं हमारी टीम में अकेला ही उसे गार्ड करूंगा। और मिस डोंग तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना, और तुम बाद में बहुत खुश होगी कि तुम्हें इतना ज्यादा अच्छा शो देखने को मिला। पर तभी ही अचानक से टियान्यू एम्परर के बिल्कुल ही पीछे आ जाता है, पर एम्परर उसे घुमा के एक पंच मारता है और वो फिर से जाकर धूल चाटने लगता है। टियान्यून कहता है, तुमने मुझे देख कैसे लिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ही मिस डांटन के सारे कपड़े फट चुके होते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एम्परर ने लाइटनिंग के स्पीड से ही उसके सारे कपड़े फाड़ दिए होते हैं। और फिर एम्परर उसे कहता है, मेरे मुकाबले तुम्हारी स्पीड कुछ भी नहीं है। और